आज हम आपको एक ऐसे घर से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपने हाथों से अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी में अपने घर की दीवारों पर गांव के मुस्लिम लोगों से हिफाजत करने की मोदी योगी से अपील की है। इबारत में श्री योगी जी दुश्मन से मेरी हिफाजत की मांग जैसे स्लोगन लिख रखे हैं। हिफाजुल हसन जो बिजनौर के थाना कोतवाली देहात के खोड़पुर इलाके का रहने वाला है, जो की गाँव में नरेगा में मजदूरी भी करता है, कुछ माह पहले इसकी बीवी भी मोदी योगी की तारीफ करने की वजह से घर छोड़ गई। गांव वालों ने भी हसन के साथ बिल्कुल नाता तोड़ लिया और इतना ही नहीं, घर में बिजली पानी का कनेक्शन तक कटवा दिया, जिसकी वजह से हसन खाने नहाने के लिए परेशान है। थाने के चक्कर काट चुका पुलिस ने इसकी आज तक मदद नहीं की, जिसे लेकर हसन गांव वालों के नाम भी बता रहा है जो इसे परेशान कर रहे हैं। काश पत्थर दिन पुलिस अगर इसके घर आकर इसकी बेबसी और मजबूरी जान लेती तो शायद हसन को इंसाफ मिल जाता। जी आपका नाम? मेरा नाम हिफाजुल हसन है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं खोड़पुरा का रहने वाला। आपने अपने गाँव में अपने घर पे क्या लिख रखा है? मैंने लिख रखा है, मैंने जो है लिख रखा है श्री योगी साहब, मैंने लिख रखा है राम साहब, मैंने लिख रखा है रावण साहब, मैंने लिख रखा है सीता साहब, मैंने लिख रखा है मंदोदरी साहब, मैंने लिख रखा है श्री नरेंद्र मोदी साहब, मैं जो हो राम को ही मानता हूँ, अब मैं रावण को भी मानता हूँ। मेरे गांव का आदमी जो है मुसलमान है, वे जालिम है और वो मुझे जो परेशान कर रहे हैं, तो आप क्यों परेशान कर रहे हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं आपको? मुझे परेशान यूँ कर रहे हैं कि क्या कहें, जो है बस मैंने जो ये नाम लिख रखे हैं और मैं जो हूँ राम को और रावण को मानता हूँ, भगवान को मानता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, इस वजह से मेरा दुश्मन है ये, तो इससे जो है कि आपसे मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि गांव में लगभग कितने लोग हैं और क्या मुस्लिम समुदाय के ही लोग रहते हैं सब वहाँ? इन्हें पकड़ लो और पकड़ के जो इन्हें ऐसी जेल में भेज दो जिससे कि जिस तरीके से मुझे परेशान कर रहा है इसी तरीके से ये परेशान हो जाए। आपने थाने में शिकायत करी है? मैं थाने में 10 बार आ गया, मैंने रिपोर्ट दे दी दरोगा साहब को, दरोगा साहब ने कहा कि इतने तुम घर लो नहीं पहुंचने के, और पुलिस वहीं पहुंच जाएगी और पकड़ के ले आ गई और उन्हें जेल भेज देंगे, और पुलिस ने फिर भी उन्हें नहीं पकड़ा। अब बताओ मैं क्या कह, इंदर मोदी साहब आपसे मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि इन जालिमों को ऐसी सज़ा दो जिस तरीके से मुझे सज़ा दे रहा, कि मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे लोग देखते हैं और यू कहते हैं कि वो बावला इंसान है, जो कि मुझे नहाने नहीं देते, कपड़े धोने नहीं देते, रोटी नहीं खाने दे रहा है। कुछ लोग हैं, नाम पता है आपको? हाँ नाम है, बताइए कौन कौन। मेरे गांव के इंसान जो मुझे परेशान कर रहे हैं, एक का नाम अमलिया है, एक का नाम सराजू, एक का नाम पीरू है, अब पीरू की लड़की है ली, एक हसीनू है, हसीनू की लड़की है ली, एक इकबाल है, एक गुलजार है, एक जुल्फ़ार है, एक दिलशाद है, एक हैदर है, और हैदर के बच्चे हैं, सराजू के बच्चे हैंगे, और मोहरम दरवाजे पे क्या लिख रखा है? मोहरम अली के बच्चे। आपने अपने दरवाजे पे क्या लिख रखा है? मैंने दरवाजे पे लिख रखा है भगवान साहब। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।